स्टोरेज डिवाइस में अगले डिवाइस है हार्ड डिस्क। यूजुअली हमें कंप्यूटर में हम इसको यूज करते ही हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। तो लास्ट क्लास में हमने मैग्नेटिक डिस्क को समझा था। मैग्नेटिक डिस्क का ही ये ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म है, या यूं कहा जा सकता है कि मैग्नेटिक डिस्क को ही मॉडिफाई करके हार्ड डिस्क के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। हार्ड डिस्क ड्राइव साधारणतः हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क नॉन वोलेटाइल एक स्थायी नॉन वोलेटाइल डेटा संग्रहण इकाई होती है। नॉन वोलेटाइल जैसा मैंने पहले बताया था कि एक बार इसमें डेटा स्टोर कर दिया तो जब तक इसे डिलीट नहीं किया जाएगा या वो किसी कारण से खुद करप्ट नहीं होता है तब तक उसमें डेटा स्टोर रहता ही है। इस तरह के स्टोरेज को नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है, जो डिजिटल रूप में डेटा को चुंबकीय सतहों वाले घूमते हुए प्लेटर्स पर तेजी के साथ संग्रहित करता है। हार्ड डिस्क की आंतरिक संरचना ये दिखाई हुई है। इस आंतरिक संरचना में आप डिस्क की तरह ये गोल मेटल के प्लेटर्स देख रहे होंगे। ये मेटल के प्लेटर्स पर ही डेटा स्टोर होता है। इस तरह के कई प्लेटर्स आप देखिए एक के ऊपर एक रखे हुए हैं और इनमें से डेटा को डालने के लिए यानी कि राइट करने के लिए या डेटा को निकालने यानी कि रीड करने के लिए इस हेड का इस्तेमाल किया गया है। ठीक उसी तरह से जैसे ग्रामोफोन में सीडी, ग्रामोफोन में टेप पे से सॉन्ग को सुनाने के लिए एक तरह का हेड लगा होता है, ठीक उसी तरह ये कई तरह की यहाँ मेटल प्लेटर्स हैं। इन प्लेटर्स में डेटा को डालने या निकालने के लिए इस हेड का प्रयोग किया गया है। ये मैग्नेटिक डिस्क के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। सर्वप्रथम हार्ड डिस्क आईबीएम का 350 स्टोरेज यूनिट थी जिसे 1956 में 305 रोम में कंप्यूटर में प्रयुक्त किया गया था, यानी कि पहली बार इस हार्ड डिस्क को 1956 में यूज में लिया गया था। इसमें मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया तथा 50,07,000 बिट डेटा संग्रहित किया जा सकता था। लेकिन आज जो हम जो डिस्क ड्राइव प्रयोग कर रहे हैं उसकी तकनीक आईबीएम ने 1973 में इजाद की थी जिसे विंचेस्टर डिस्क के नाम से जाना जाता था। यानी शुरुआती समय में इसी तरह की एक और डिस्क डेवलप की गई थी 1973 में और उस डिस्क को नाम दिया गया था विंचेस्टर डिस्क। जैसा मैंने पहले बताया कि हार्ड डिस्क लगभग मैग्नेटिक डिस्क का ही प्रतिरूप होती है। प्रतिरूप मतलब उसी के फॉर्मेट पे ही बनी हुई होती है। मैग्नेटिक डिस्क को जहां उपयोग में लाने के लिए डिस्क ड्राइव की जरूरत होती है, जैसे अभी के समय में सीडी को चलाने के लिए या डीवीडी को चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत होगी, ठीक उसी तरह से इसका मतलब है कि मैग्नेटिक डिस्क को चलाने के लिए डिस्क ड्राइव की आवश्यकता होती है। लेकिन हार्ड डिस्क सीपीयू बॉक्स के अंदर ही लगी होती है, इसे चलाने के लिए किसी अलग से ड्राइवर की जरूरत नहीं होती, ये सेल्फ ड्राइवर होती है। हार्ड डिस्क अपने आप में चलने में खुद सक्षम है, इसे किसी सेपरेट ड्राइवर की जरूरत नहीं होती है चलने के लिए। समय के साथ साथ हार्ड डिस्क का साइज बढ़ता गया है, 20 GB से लेकर 2 TB और इससे भी ज्यादा तक की हार्ड डिस्क उपलब्ध है। यहां हम 20 MB संग्रहण क्षमता की हार्ड डिस्क संबंध कुछ तथ्यों की जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। नीचे एक कैलकुलेशन दिया गया है, इस कैलकुलेशन में बताया हुआ है कि 20 MB की हार्ड डिस्क में कुल अगर 4 सतहें हों तो किस किस तरह से डेटा को स्टोर किया जाएगा, ये आप नोट कर सकते हैं। हार्ड डिस्क को बेसिकली कंप्यूटर में यूज करने के लिए विकसित किया गया था, लेकिन अब हार्ड डिस्क के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम से आगे बढ़ के और भी कई डिवाइसेस के साथ यूज में ली जाने लगी हैं। जैसे आप प्लेस्टेशन गेम देखते हैं, कई तरह के ऑडियो प्लेयर्स देखते हैं, डिजिटल कैमरास देखते हैं, उन सभी का डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर किया जा सकता है। अगली स्टोरेज डिवाइस हमें पढ़नी है फ्लॉपी डिस्क। तो हार्ड डिस्क की एक स्पेशलिटी ये है कि उसे एक कंसिस्टेंट स्टोरेज डिवाइस माना जाता है। कंसिस्टेंट से मतलब ये है कि वो कंप्यूटर सिस्टम में लगी रहती है, इजीली हम उसे मूवमेंट के साथ यूज में नहीं लेते। मतलब अगर आपको डेटा कहीं ट्रांसफर करना हो तो यूजुअली हम ऐसा नहीं करेंगे कि हार्ड डिस्क को कंप्यूटर से खोलें और फिर लेकर जाएं। ऐसा हालांकि किया जा सकता है लेकिन रैपिडली अपन ये चीज नहीं करते कि हार्ड डिस्क को बार बार खोलें, बार बार लगाएं या बार बार खोलें। यूं समझ लीजिए कि डेटा ट्रांसफर के लिए हार्ड डिस्क आइडियल नहीं है। अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना हो, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे पहुंचाना हो, तो बहुत जल्दी जल्दी आप ये हार्ड डिस्क को खोलना और लगाना ये ठीक नहीं है। तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए जैसे अभी के समय में हम पेन ड्राइव का यूज करते हैं, मेमोरी कार्ड्स का भी यूज कर लेते हैं, उसी तरह से पुराने समय में फ्लॉपी डिस्क का यूज किया जाता था। फ्लॉपी डिस्क डेटा ट्रांसफर के लिए प्रयोग में ली जाती थी। यूजुअली जब फ्लॉपी डिस्क यूज में ली जाती थी उस समय मेमोरी कार्ड अस्तित्व में ज्यादा था नहीं, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क काफी कम कीमत में छोटे कंप्यूटरों के संग्रहण क्षमता बढ़ाने वाले एक बहुप्रचलित इनपुट आउटपुट माध्यम के रूप में प्रसिद्ध है।
यूं समझ लीजिए कि पुराने समय में जैसे कभी किसी को कॉलेज के प्रोजेक्ट सबमिट करने हो या कुछ डेटा वगैरह ट्रांसफर करना हो तो उस समय डीवीडीज तो खैर एग्जिस्टेंस में थी नहीं, सीडीज वगैरह बहुत रेयरली यूज होती थी, तो उस समय फ्लॉपी डिस्क का ही यूज किया जाता था और ये मैग्नेटिक डिस्क की भांति ही कार्य करता था। मैग्नेटिक डिस्क की भांति फ्लॉपी डिस्क में भी ट्रैक और सेक्टर उपलब्ध होते थे। इस चित्र में आप फ्लॉपी डिस्क का डिजाइन देख सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क यूजुअली दो कैपेसिटीज और दो साइजेस में आती थी। ये वाली फ्लॉपी डिस्क 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क कहलाती थी और ये वाली फ्लॉपी डिस्क 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क कहलाती थी। जैसे आज के समय में सीडी को रीड करने के लिए उसका ड्राइवर चाहिए होता है, सीडी रोम, डीवीडी को रीड करने के लिए डीवीडी का ड्राइवर चाहिए होता है, ठीक उसी समय में फ्लॉपी को रीड करने के लिए फ्लॉपी का ड्राइवर उपयोग में लिया जाता था। अब क्योंकि अभी के समय में फ्लॉपी अस्तित्व में है नहीं, यूज में नहीं ली जाती है, इसलिए कंप्यूटर सिस्टम में अब हमें फ्लॉपी ड्राइवर देखने को मिलते नहीं है। ये फ्लॉपी डिस्क एक प्लास्टिक के खोल में रहती थी, मतलब इसका कवर प्लास्टिक का होता था, फाइबर का होता था। इसका उपयोग करने के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का उपयोग किया जाता था। जैसा मैंने बताया कि अगर फ्लॉपी डिस्क चलानी हो तो उसके लिए ड्राइवर की जरूरत होती थी। यह मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव के सामान्य उपकरण होता है। इस ड्राइव में उपस्थित रीड और राइट हेड की सहायता से डेटा को पढ़ा एवं लिखा जाता था। मैग्नेटिक डिस्क की तरह फ्लॉपी डिस्क के कुछ बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स आप नोट कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी, ये भी आप नोट कर सकते हैं। अगली स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं, सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क। अभी के टाइम में हम सीडी का काफी ज्यादा यूज करते ही हैं। तो सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क है। इन्हें ऑप्टिकल डिस्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये प्रकाशीय पद्धति पर आधारित होती है। प्रकाशीय, ऑप्टिकल मतलब प्रकाश पे आधारित, जो डेटा को संग्रहित करने के लिए यूज में ली जाती है और मूल रूप से इसका विकास डिजिटल ऑडियो को संग्रहित करने के लिए किया गया था। मतलब शुरुआती समय में सीडी बनाई गई थी कि वो डिजिटल ऑडियो को स्टोर कर सके, लेकिन आगे समय के साथ साथ सीडी के मल्टीपर्पज यूज होने लगे और वो ऑडियो स्टोर करने के साथ साथ वीडियो और बाकी का डेटा स्टोर करने में भी सक्षम हो ही गई। सामान्य तौर पे सीडी में एक बार डाटा स्टोर करने के बाद उसमें दोबारा डाटा राइट नहीं हो पाता था। यूजुअली ये ऐसा माना जाता था कि सीडी एक बार राइट हो गई तो वो दोबारा उसपे डेटा को हम दोबारा से लिख नहीं सकते थे। ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है। कॉम्पैक्ट डिस्क तकनीक को बाद में डेटा संग्रहण डिवाइस के रूप में प्रयोग के अनुकूल बनाया गया, जिसे सीडी रोम के बारे में जाना जाता है, और इसमें एक बार रिकॉर्ड करने की तथा दोबारा लिखने के योग्य मीडिया रीराइटेबल मीडिया के नाम से बनाया गया। मतलब जो सीडी रोम थी वो एक बार उसमें डेटा राइट हो गया तो वो दोबारा उसमें डेटा लिखती नहीं थी, इसलिए रोम भी लिखा गया है, यानी रीड ओनली मेमोरी। यानी एक बार डेटा चला गया तो आप डेटा को बार बार पढ़ सकते हैं लेकिन बार बार आप राइट उसके ऊपर नहीं कर सकते। लेकिन इसी का फिर एक अपडेटेड वर्जन बनाया गया रीराइटेबल मीडिया, जिसे CDRW के नाम से जाना गया, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। रीराइटेबल मतलब इसकी खास बात यह थी कि इसमें एक बार डेटा राइट करने के बाद नए डेटा को फिर से इसके ऊपर राइट किया जा सकता था। यानी कई सीडीज ऐसी थी शुरुआती सीडीज जिनमें एक बार डाटा डाल दिया गया तो वो स्टोर उसमें दोबारा से नहीं किया जा सकता, जिन्हें सीडी रोम कहा जा रहा है यहाँ पर, और CDRW यानी रीराइटेबल, यानी इसमें एक बार डेटा स्टोर कर दिया तो उसके बाद भी नए सिरे से भी उसमें डेटा स्टोर किया जा सकता था, ओवरराइट किया जा सकता था। अगली स्टोरेज डिवाइस यहाँ पर डीवीडी है। डीवीडी जिसे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। यूजुअली इनको बनाया गया था वीडियोस स्टोर करने के लिए। कई कंपनीज के द्वारा अपना वीडियो स्टोर करने के लिए इस तरह की डिस्क का प्रयोग किया गया था। ये सीडी का ही एक रूप, सीडी की ही तरह है, लेकिन ये सीडी के मुकाबले 6 गुना अधिक डेटा भंडारण करती है। मतलब ये सीडी की तुलना में ज्यादा डेटा स्टोर कर सकती है। डीवीडी रोम, जैसा पहले हमने समझा, जहां पे रोम लिखा है में डेटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, उसमें लिखा नहीं जा सकता। डीवीडी रोम में मतलब एक बार डेटा डाल दिया गया तो उसे दोबारा से राइट नहीं कर सकते, उसके डेटा को बार बार आप पढ़ सकते हैं लेकिन उसमें दोबारा से लिख नहीं सकते। जबकि DVD-RW रीराइटेबल, यानी इसमें डेटा को एक से ज्यादा बार रिकॉर्ड किया जा सकता है और डाटा को मिटाया भी जा सकता है।
डीवीडी के डेटा स्टोरेज को लेकर ये कुछ बिंदु हैं जिन्हें आप नोट कर सकते हैं।